भारत देश के 74वें स्वाधीनता दिवस के अपना पंचन का सभी विंध्यवासियों का सभी प्रदेशवासियों का सभी देशवासियों का एमपी संदेश न्यूज 24 के ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एमपी संदेश न्यूज 24 विंध्य के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर लेके आए हैं सीधी से, जहाँ अपना पंचन का बताया दी कि 3 नए कोरोना संक्रमित आज प्राप्त हुए हैं। जोने माँ सबसे बड़ी खबर यह है कि बीते दिन कोतवाली में 4 लोग जो हैं, 4 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए रहे हैं। जोने के चलते कोतवाली के लगभग 80 लोगों के जांच कराई गई रही और जोने माँ वह रिपोर्ट माँ कोतवाली के एक को व्यक्ति अभी पॉजिटिव नहीं आया ही। अब कुल कोरोना संक्रमित संख्या हो चुकी है 210, एक्टिव केसन की संख्या 115 हो चुकी है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और जिला में कुल कंटेनमेंट जोन 93 बन चुके हैं। जोने में शहरी क्षेत्रन में लगभग 50 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रन में लगभग 43 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अब अपना पंचायत को बताया दी कि जो आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ओमा चोरहट के 17 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो एक दंत चिकित्सालय में बतौर कंपाउंडर काम कर रहे हैं और वहीं से या कहा जा रहा है कि वो संक्रमण के चपेट में आए, जो उनके चलते अब उनका जो है आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रहा है। दूसरा आए हैं पनवार सिगरान, सीधी के शहरी क्षेत्र से सटे क्षेत्र पनवार सिगरान के एक व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं और पतुलखी सिहावल अंतर्गत पतुलखी के एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जो ये बेहद बड़ी खबर है कि सीधी माँ आज कुल जो है 322 जो है रिपोर्ट आई ही, जौने माँ 3 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं जौने माँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छी बात यह है कि कोतवाली माँ जो संक्रमण किया माना जा रहा कि बेहद कहे कि पुलिसकर्मी के संपर्क में काफ़ी लोग रहे, थाना रहा, थाना के बाद आम आदमी रहे, किंतु थाना में संक्रमण जो है अबे के रिपोर्ट में कौनों नहीं प्राप्त हुआ है और जो ये बेहद अच्छी खबर है। और खबर यह है कि 3 नए संक्रमित आ चुके हैं और संख्या में फिर से इजाफा हो चुका है। जो सीधी जिला खातिर जो है वह बेहतर नहीं है, रफ्तार जरूर कम ही, किंतु हमारा अपना के जो सतर्कता है एम कमी न हो चाहिए। और हालात यह है कि जो जनता बेहद लापरवाही कह रही है यह संक्रमण का, कहो न कहो यह मान रही है कि यह एक अफवाह है और यह कोरोना इतना घातक नहीं है, किंतु अपना पंचन का बता दी कि यह घातक कैसा है कि यदि अपना के घरे में छोट बच्चा और बुजुर्ग हैं, 50 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, यदि उनका डायबिटीज है और हाइपरटेंशन जैसा बीमारी है, थायराइड जैसा बीमारी है, तो ओका लेके कहो ना कहो गंभीर हो जी, कहे कि अपना कैरियर यदि बने, संवाहक बन गए कोरोना के, अपना स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, अपना ओकर कैरियर बन सकी थे और वह कैरियर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सका था, जो सामने वाले व्यक्ति का बेहद बीमार कह सका था कि नहीं चाहे कि उनके घरे में जो वृद्ध हैं वो जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, छोट बच्चा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हम सब चाहिए थे, किंतु छोट मोट लापरवाही जो है उनका बेहद बीमार कह सका थी। तो ऐसे आपन भर नहीं अपने परिवारों के ध्यान रखें और ऐसे 3 मंत्र हैं उनका जो है कंठस्थ के लिए, वह वैक्सीन आए तब तक जब तक भारत देश में वैक्सीन नहीं आ जाए। आज पीएम मोदी के उद्बोधन में वैक्सीन का लेके काफ़ी बात कही गई, यह कहा गया कि 3-3 वैक्सीन जो है भारत में उन पर काम चल रहा है, अन्य देशों में वैक्सीन के काम चल रहा है, किंतु भारत में वैक्सीन अभी तुरंत ही न उपलब्ध हो पाई। और साथ में उनके द्वारा कहा गया कि बेहद अच्छी सफलता मिल रही है, एक चरण पूर्ण हो चुका है, मतलब एक अच्छी खबर है, किंतु जब तक वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन एक ही चीज़ ही अपना पंचे जानी थे, मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी के पालन करो, साथ में हाथ जो है सैनिटाइजर साबुन से धो मत रहा, यह एक वैक्सीन जो है अभी यह कोरोना वैश्विक महामारी से हमका अपना का बचा सका थी, किंतु ये माँ लापरवाही देखने को मिला थी। लोग बेवजह भीड़ में जाप पसंद कर रहे थे, बेवजह भीड़ बनाए के जो है प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे यह प्रयास से दूर रही, नाक पूरा कवर करके मास्क लगाई और यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर में देशभक्ति के ऐसे अच्छा नमूना पेश नहीं कह सकी कि अपना ये जो वैक्सीन ही जो मास्क लगावे के सामाजिक दूरी के पालन करब और हाथ सैनिटाइजर साबुन से धोब
या जो है ऐसे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सके। कहे कि यदि अपना सुरक्षित रहब तो अपना के जिला सुरक्षित रही, अपना के प्रदेश सुरक्षित रही, अपना के देश सुरक्षित रही। तो या देशभक्ति हो आए, जरूरी नहीं कि बॉर्डर में हम आप चंद के जो सबसे बहादुर सैनिक जो है अपने मातृभूमि भारत माता की रक्षा करते हैं, तो हम पचे देश के अंदर रह के नियमन के पालन करके जो है यह देश के रक्षा कर सकी थी, सुरक्षा कर सकी थी। ऐसे बेहद ख्याल रखिए, अपन अपने परिवार के बेहद ख्याल रखिए, और स्वतंत्रता दिवस के एक बे पुनः अपना पंचन का बहुत बहुत शुभकामना। अपन बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।